भारत का कनाडा के 40 के करीब सफारतकारों को निकालने का फैसला। कैनेडियन हुकूमत को अमला बुलाने के लिए 10 अक्टूबर की डेडलाइन दी गई है। नाउ इंडिया इन अ स्टर्न वर्ड टू कनाडा हैज टोल्ड देम टू विथड्रॉ डजन ऑफ डिप्लोमेटिक स्टाफ। भारत में कनाडा 62 सफारतकार तैनात हैं। भारत कैनेडियन शहरियों के वीजा के इजरा पर पहले ही पाबंदी लगा चुका है। रशिया ने अभी स्टेटमेंट इस टाइम में दी है, डिप्लोमेटिक वे में उन्होंने बात किया कि भाई कनाडा सॉरी करे। क्या कहना चाहेंगे कि दुनिया के बड़े कंट्रीज जो उनसे हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं और कनाडा इस टाइम परेशानी के आलम में नजर आ रहा है। मैं कहता हूँ कि कनिष्का में 350 लोग मर गए। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आप ब्लेम के काबिल इसलिए हैं क्योंकि हमने आपको डोजियर तब भी दी थी। ऐसे लगता है जैसे वो साढ़े पंजाबी के चक बह गई है। देर इज नथिंग न्यू विच इज कमिंग और हर बंदा यही कह रहा है कि जो वेस्ट है वो एक्सपोज हो गया है बिकॉज ऑफ कनाडा, और इंडिया ने जो असर्ट किया है उसकी जो असर्शन है उसको अमेरिकन्स ने ओन कर लिया है। FIA मुल्तान की बड़ी कार्रवाई, भीख मांगने के लिए सऊदीया जाने वाली फैमिली को ऑफलोड कर दिया गया है। कुछ खास निकला नहीं है या अमेरिकन प्रेस बड़ी साइलेंट है। जैसा आपको सूट करता है आप उस तरीके से काम कर लें। आई थिंक दिस इज अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और इस पर्टिकुलर चीज में वेरी वेरी अनफेयर ऑफ कनाडा। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच खालिस्तान को लेकर छिड़ा विवाद और तेज हो गया। भारत सरकार ने कनाडा के दर्जनों राजनयिकों को देश से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया। ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। अखबार के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा से कहा है कि उसके राजनयिक भारत छोड़ दें। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया है कि मोदी सरकार ने कहा है कि कनाडा के 40 डिप्लोमेट्स 10 अक्टूबर तक भारत छोड़ दें। भारत सरकार ने इस बात के पहले ही संकेत दे दिए थे जब विदेश मंत्रालय ने कहा था कि कनाडा के ज्यादा राजनयिक यहां तैनात हैं, ऐसे में उनकी संख्या कम किए जाने की जरूरत है। अभी कनाडा की ओर से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि कनाडा से भी भारतीय डिप्लोमेट्स की संख्या में कमी आ सकती है। भारत की ओर से कनाडा के खिलाफ यह चौथा एक्शन है। भारत ने सबसे पहले कनाडा के खुफिया अधिकारी को देश छोड़ने का आदेश दिया था, फिर वीजा सेवाओं को बंद कर दिया। मैं आज आपको आप ही के वर्ड्स को थोड़ा चैलेंज कर रहा हूं। आपने कहा कि कुछ सप्ताह से कनाडा के साथ ये चल रहा है। किसने कहा ये सब विवाद जो मीडिया में चल रहा है? अदरवाइज तो बहुत उसी पर आ रहा हूँ। किसने कहा कि ये प्रॉब्लम जो है हमारी कुछ सप्ताह से चल रही है? मैं तो कह रहा हूँ कनिष्का एयरक्राफ्ट जब से क्रैश हुआ है तब से क्यों नहीं चल रही? एब्सोल्युटली सर, मैं कहता हूँ कि कनिष्का में 350 लोग मर गए। मैं कहता हूं प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, आप ब्लेम के काबिल इसलिए हैं क्योंकि हमने आपको डोजियर तब भी दी थी कि उसमें से 250 कैनेडियन सिटीजन भी मरे थे। ये मेरा फिगर नहीं है, ये कनाडा की फिगर है। भाई आपने क्या किया? आपने किसको रोका? आपने किसको सपोर्ट किया? आपने कहां जस्टिस देखा? आपने कहा ब्लेम गेम देखी दिखाई या हमने करी? वी कुड हैव ऑल्सो ब्लेम्ड यू, लेकिन हमारा ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न था कि 350 लोगों की जान गई है किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जिसने क्लेम किया है कि वो कनाडा में है। अगर उसने ये क्लेम किया होता कि वो इंडिया में है तो शायद मैं ब्लेम अपने ऊपर ले लेता। उसने कहा होता कि अगर वो पाकिस्तान में है तो मैं पाकिस्तान को ब्लेम कर सकता था। पूरी दुनिया ने देखा, ये जो 5i ये क्या कर रही थी तब? मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं उनको, मैं साइड लेने की बात कर रहा हूं। दिस इज अ रॉन्ग थिंग ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज कि आप जैसा आपको सूट करता है आप उस तरीके से काम कर लें। आई थिंक दिस इज अनफेयर ऑन पार्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज और इस पर्टिकुलर चीज में वेरी वेरी अनफेयर ऑफ कनाडा। आपने बोला मतभेद हैं। ओह माय गॉड, अगर आप इसके बिल्कुल निष्पक्ष होकर इवैल्यूएट करें, उनका और हमारा ट्रेड बिल्कुल बराबरी पर है। डॉक्टर साहब, थोड़ा कनाडा पे मैं बात करना चाहता हूँ आपके साथ। क्या देखते हैं? ऐसे लगता है जैसे वो साढ़े पंजाबी के जाने चक बह गई है। देर इज नथिंग न्यू विच इज कमिंग और हर बंदा यही कह रहा है कि जो वेस्ट है वो एक्सपोज हो गया है
बिकॉज ऑफ कैनेडा, और इंडिया ने जो असर्ट किया है उसकी जो असर्शन है उसको अमेरिकन्स ने ओन कर लिया है। अमेरिकन्स इंडिया के साथ जो है वो प्राइवेट में बात करना चाहते हैं, पब्लिक में नहीं करना चाहते। ये जो अभी जयशंकर को इतने ज़्यादा सवालात किए गए अमेरिका के अंदर, कुछ खास निकला नहीं है, या अमेरिकन प्रेस बड़ी साइलेंट है। अमेरिकन प्रेस नॉर्मली बड़ा बोलती है, लेकिन अमेरिकन प्रेस में लगता है कोई तिड़ छिड़ नहीं रही, वरना जिस तरह वो सऊदी अरब के खिलाफ उठे थे, एक महाज लग गया था जी, वो फलां बंदा कत्ल हो गया जी, ये हो गया, तो लेकिन अमेरिकन प्रेस क्या आप समझते हैं कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है, या वो इंडिया वो और अमेरिका के ताल्लुकात इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि वो अब बैशिंग भी नहीं हो सकती? कनाडा तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसको कैसे देखेंगे? चीमा साहब, मेरे ख्याल में जिस तरह मैं पहले आपको अर्ज कर चुका हूँ, आप कंट्री अपने मुफाद के बेस पे चीजें करते हैं, और अब जर्नलिज्म खत्म हो चुका है, ये मीडिया एंटरप्राइज है, वो भी सिर्फ अटैच है विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो उसमें आके आपने बिल्कुल सही कंपैरिजन किया है कि अदनान खशोगी के केस को जिस तरीके से इन्होंने अपना ह्यूमन राइट्स का एक इशू बनाया था, इसको बिल्कुल टच ही नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसे ही बात है जिस तरह 6 जनवरी का तो इन्होंने इनकलाब का करके तो रिपब्लिकनों को उड़ा दिया है, लेकिन जब ब्लैक लाइव मैटर और अंतीफा ने व्हाइट हाउस पर अटैक किया था तो कोई अरेस्ट ही नहीं हुई थी। इस वक्त रोजाना लूटते हैं, कभी एप्पल स्टोर्स को कुछ कुछ करते हैं, अगर पुलिस किसी को पकड़ते हैं तो पुलिस वाले को फौरन फायर कर दिया जाता है, पुलिस को उसके ऊपर केस बना दिया, बिल्कुल उसी तरह ये भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो मैं कनाडा के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ, जस्टिन ट्रूडो डर गए हैं, उन्होंने स्टेटमेंटें ऐसी अब देनी शुरू कर दी है कि अपने बैकफुट पे हैं। दूसरा, मैं आपको एक और चीज शुरू में ये कहता था कि चीमा साहब को दूसरी खबर आएगी तो इसके बाद ये दब जाएगी, खत्म हो जाएगी, और दूसरी खबर आ गई थी वो 98 साल का जो उन्होंने योगोस्लावियन सिटीजन जिसको उन्होंने बुला के अपने अपने ईवान के अंदर तो क्लैपिंग की थी, और बाद में उस पर स्पीकर को रिजाइन देना पड़ा, उनका पहला केस खत्म हो गया क्योंकि उन्होंने बता दिया था कि वी आर नॉट सीरियस, हम अपना होमवर्क नहीं करते, हम वो बिल्कुल केस झूठा नजर आना शुरू हो गया था जो वो निजर साहब का था। दूसरा, ऐसी स्टेटमेंटें आई कि भारत ने ये प्रूव कर दिया था कि निजर इज ही वॉज एन एसेट टू द इंटेलिजेंस, और उसके लड़के की भी कुछ स्टेटमेंट निकल आई थी कि मेरा बाप जो है वो कैनेडियन इंटेलिजेंस के लोगों को हफ्ते में 2-2 दफा मिलता था। तो ऐसी चीजों से आके सारी चीजें पोल्यूट हो चुकी थी, जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा निकल चुकी थी, बल्कि अब वो तो मेरे ख्याल में अगला इलेक्शन भी नहीं जीत सकेगा। लेकिन दिस हैज प्रूवन कि इफ यू इकॉनमी स्ट्रॉन्ग यू आर स्ट्रॉन्ग, ये बात अब बातों से नहीं है, करेंसी और आपकी मार्केट में प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। और जस्टिन ट्रूडो को भी कहना पड़ा कि भारत इज ए 5वीं बड़ी इकॉनमी है, और उनकी जो इस वक्त यूक्रेन के हवाले से जो उन्होंने साउथ चाइना की उन्होंने इम्पोर्टेंस से बात की है, उसमें भी उन्होंने कहा कि दर हकीकत उन्होंने यही कहा कि अमेरिका को जरूरत है इंडिया की, और उसके बाद वी आर नो वेयर, यू आर इन द मिडल ऑफ नो वेयर। लेकिन ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इसमें इंडिया लुक विक्टोरियस,